आवाज न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। श्री विजयनगर अनूपगढ़ से चंडीगढ़ की ओर जा रही रोडवेज की बस पर खड़े ट्रक में टकराई, जिसमें दो दर्जन यात्री सवार थे। एक दर्जन यात्रियों को आई चोटें और हादसे की सूचना पर मौके स्थानीय पुलिस पहुंची। एम्बुलेंस में स्थानीय लोगों की सहायता से गंभीर लोगों को भी विजयनगर के सरकारी अस्पताल में, इस हादसे में दो लोगों को आई गंभीर चोटें, इलाज के बाद जमीन लोगों के सफर किया वह काफ़ी लोगों के स्मार्ट उपचार के बाद घर भेजा। दूसरे सड़क हादसे में संगरिया से निजी बस कड़साना की ओर जा रही थी, वह कोहरे के कारण श्री विजयनगर तरफ से आ रहे ट्रक ने ओवरटेक करते हुए बस में टकरा गया। सामने से आई भीड़ हो गई और बस की तीन दर्जन सवार लोग हुए चोटिल। हादसे की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और अफरा तफरी के माहौल में स्थानीय लोगों ने प्रशासन की सहायता से घायल लोगों को श्री विजयनगर के सरकारी अस्पताल में लाया गया। इस समय पर हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल बना रहा, लगभग 30 लोगों को घायल होने की सूचना, वहीं लोगों ने 9 लोगों को रेफर किया है। और घटना की सूचना के बाद स्थानीय विधायक बलवीर सिंह लोथरा, SDM व प्रियंका बिश्नोई आकांक्षा गोदारा तहसीलदार सरकारी हॉस्पिटल में पहुंची और SEHC में प्रभारी डॉक्टर BM शर्मा ने जानकारी देते बताया कि सड़क हादसे में सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेजा जा रहा है। वहीं हादसे में गंभीर चोटें 9 लोगों को रेफर किया गया है। वहीं प्रशासन द्वारा क्षेत्र में घने कोहरे को लंबी दूरी तय करने वाले वाहनों स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुरेंद्र सिंह राठौर। जो सड़क हादसा हुआ सुबह, उसमें कितने लोग आज सुबह ये तीन बस का लगातार आपस में भिड़ने से एक्सीडेंट हुआ, उसमें 27 लोग इंजर्ड होकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से विजयनगर आए थे। उनका तत्काल उपचार कराकर उनको राहत प्रदान की गई है। सारा स्टाफ मौके पर मौजूद था, आपातकालीन सेवाएं अच्छी तरह से उनको दी गई हैं। उनमें से 9 लोगों को फ्रैक्चर होने की वजह से रेफर किया गया है, बाकी सिर की चोट किसी को नहीं थी। सभी को सामान्य उपचार लेकर के यथास्थिति उनको अपने स्थान पर भिजवाया गया है। 9 लोगों को जिला स्तर पर हड्डी में फ्रैक्चर होने की वजह से